दुष्ट असुरों, तुम्हें तुम्हारे काल से भेंट कराने के बाद ही विश्राम करेंगी हम। कि जब तक आप यहां हैं मेरे किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होगा और मैं अपने अगले लक्ष्य प्रभु महाशिव का वाहन यज्ञ करने में भी सफल होऊंगा। विधि आरंभ हो चुकी है, शीघ्र यज्ञ का भी शुभारंभ होगा। सभी मेरी योजना के अनुसार हुआ तो इस मुझे समय में ये देवियां 7 सिंदूर आसुरों से ही युद्ध करती रह जाएंगी और मैं प्रभु महाशिव के साक्षात दर्शन प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगा। जय माता पराशक्ति, जय श्री माता ललिता। ना मैंने तुम्हारा कोई भी आघात हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हे माता, ये कैसा दिव्य कवच है माता, जिसे हम भी नहीं भेद पा रही है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए माता। इन सभी ने तो अपने तन पर श्री गणेश के चरण सिंदूर को धारण किया है।
इसीलिए हमारे अस्त्रों के प्रहारों से सुरक्षित हुई। जब तक विघ्नहर्ता श्री गणेश का ये सिंदूर इनके शरीर पर रहेगा, ढाल बनते इनकी रक्षा करता रहेगा, ढाल बनते इनकी रक्षा करता, ढाल बनते इनकी रक्षा करता रहेगा। प्रभु श्री गणेश के मुख पर क्रोध का भाव, कहीं मेरे लिए कोई संकट न उत्पन्न कर दे। प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दीजिए, किंतु भक्ति के फल का इतना लाभ उठाना तो चलता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, ये असुर मुझे और मेरे आशीर्वाद का लाभ उठाकर आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, किंतु मुझे आशा है आपकी कृपा से देवी माताएं इस कठिनाई को दूर करने का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगी। छल और धूर्तता का प्रयोग कर तुमने गणेश जी की शक्ति को अपना कवच बनाया है, किंतु जब वो कवच हट जाएगा तो अपनी रक्षा कैसे करोगे? नहीं नहीं, ये असंभव है, हमारे कवच को कोई नहीं हटा सकता। सिंदूर का कवच बहुत शक्तिशाली है, इसे धोने के लिए हमें और बल का प्रयोग करना होगा। देवराज इंद्र, संकोच मत कीजिए देवराज इंद्र, शीघ्र वर्षा उत्पन्न कीजिए। माता, इनके शरीर से गणेश जी के चरण का सिंदूर धुल क्यों नहीं रहा है? इंद्रदेव पर कुछ अधिक ही विश्वास था इन देवी को, लेकिन अब तो वो विश्वास भी भंग हो गया। तुमने तो केवल जल ही बहाया है, किंतु हम तुम्हारा रक्त बहाएंगे। ये तुम्हारी वर्षा कराने की युक्ति तो व्यर्थ गई, अब हमारा सामना कैसे करोगी? अब हमारे द्वारा तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं समस्त ब्रह्मांडों के सभी इंद्रदेवों का आवाहन करती हूँ, शीघ्र वर्षा करिए। प्रयास कर लो देवी, गणेश जी का आशीर्वाद है, ये सिंदूर इतनी आसानी से नहीं धुलने वाला। इन देवियों का ये प्रयास भी असफल हो तभी संपूर्ण होगा मेरा ये महायज्ञ। और जैसे ही मेरे प्रतिरूपों की हथेलियों पर स्थित अग्नि अपनी पूर्णता प्राप्त करेगी,
मेरे महायज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। भले ही तुमने गणेश के सिंदूर से अपने असुरों को सुरक्षित कर दिया है, परंतु छल से प्राप्त किया गया आशीष कभी कोई काम नहीं आता। हमारे शरीर से ये दिव्य सिंदूर कैसे धुल रहा है? इस तरह तो हमारा कवच मिट जाएगा। अब हम इन देवियों के सामने असुरक्षित हो जाएंगे। इंद्रदेव, ये अग्नि अस्थिर क्यों हो रही है? रुक क्यों गए असुरों? आगे बढ़ो और वार करो हम पर। कहीं गणेश जी के इस चरण से दूर के साथ तुम्हारा अहंकार भरा दुस्साहस भी तो नहीं धुल गया। नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी है यहाँ, तो मेरे कार्य में विघ्न कैसे आ सकता है? मैंने कहा था ना भंडासुर, युद्ध में विजय उचित युक्ति और रणनीति से प्राप्त होती है, छल या कपट से नहीं। ना कोई युक्ति, ना छल, ना धूर्तता और ना ही कोई चतुराई प्रभु, मुझे तो बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, और वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवाय नमः। ओम आदिशंकराय नमः। भंडासुर जो भी कर रहा है अनुचित है, फिर भी मैं इसे आशीष देने के लिए विवश हो रहा हूँ। जब तक ये मुझसे छल से आशीष प्राप्त करता रहेगा, मैं माताओं के लिए व्यर्थ ही बाधाएं उत्पन्न करता रहूंगा। मैंने कहा था ना प्रभु, जहां आप हैं वहां पराजय हो ही नहीं सकती। अब देखिए, युद्ध भूमि में भी मेरे योद्धा अवश्य सफल होंगे। उन देवियों को लगा था कि सिंदूर धुल जाने से मेरे असुर परास्त हो जाएंगे, किंतु उन्हें इस नवीन उपाय के बारे में ज्ञात नहीं था। अब ये कैसा प्रकाश है? इसने माताओं की दृष्टि को बाधित कर दिया है। Thank you.
तीव्र प्रकाश कैसे उत्पन्न हो रहा है? क्या भंडासुर इस प्रकाश का भी कोई अनुचित लाभ उठा रहा है? ये है मेरे बलाह का सुरों का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र, सूर्यदेव का अपार तेज। मेरा अनुमान उचित था, इस प्रकाश से माताओं की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। चकित ना हो प्रभु, मेरे ये योद्धा अनुमान से अधिक विनाश कर सकते हैं। किंतु एकमात्र सूर्यदेव का तेज ही इस अपार प्रकाश का कारण बन सकता है। आपने सर्वथा उचित कहा प्रभु, ये प्रकाश सूर्यदेव से ही प्राप्त किया है इन्होंने। इनका जन्म होते ही इनकी माता किक्सी ने इन्हें सूर्यदेव की तपस्या करने का आदेश दिया और इन आज्ञाकारी पुत्रों ने तत्काल अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्यधीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ॐ प्रणाम सूर्यदेव। कल्याण। मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूँ, मुझसे क्या वरदान चाहते हो? प्रभु हमें अपने प्रकाश का वरदान दीजिए, जिसकी दृष्टि रख हमने इतनी कठोर साधना की है। वो प्रकाश जो सामने आए तो नेत्र स्वतः बंद हो जाए, जिसकी आभा से कुछ भी दिखाई ना दे। सामने आएगा हमारे बढ़ते प्रकाश से पिघल जाएगा। ये दुष्ट असुर माताओं की माता पर मेरे प्रकाश से ही लक्ष्य साध रहे। तुम देवियों का खेल यही समाप्त करेंगे हम। सूर्य देव के बढ़ते प्रकाश से यहाँ सब कुछ भस्म कर देंगे, उसमें सर्वप्रथम होंगे तुम्हारे अस्त्र, फिर तुम्हारे रथ। और उसके उपरांत तुम्हारी अस्थियों को भस्म कर तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा देंगे। माता इस भयानक आक्रमण का सामना कैसे करेंगी? ये देवियाँ इस कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। देवी मंत्री नवीना दृष्टि प्रकाश से, किंतु जब प्रकाश के अभाव से एक गहन अंधकार उत्पन्न होता है तब दृष्टि द्वारा उत्पन्न ये सभी भेद मिट जाते हैं और किसी भी भिन्नता का कोई आभास नहीं रहता। तब मेरी संपूर्ण रचना एक हो जाती। अब समय आ गया है उस सत्य रूपी अंधकार द्वारा असत्य रूपी प्रकाश पर विजय प्राप्त करने का। जय मां पराशक्ति।
झूठ के आवरण के साथ सच की लड़ाई कदापि नहीं जीती जा सकती।